सो अपने पास है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्टोमिक में रहता है, डाइजेशन में काम आता है। अब हम क्या करेंगे, इसको अभी इस सारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़रा ज़रा सा ग्लासेस में, 3 ग्लासेस में डालते हैं। ये कॉन्सनट्रेटेड HCL है, ये तीनों में अभी हमने HCL डाल दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कि ये स्टोमिक एसिड को न्यूट्रलाइज करता है या नहीं करता है। हमारे पास है 9.5 pH का कैंजन वाटर, फर्स्ट क्लास में डाला। ये मेरे पास दूसरा एक अल्कलाइन सॉल्यूशन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये अल्कलाइन होता है, एक केमिकली क्रिएटेड अल्कलाइन सॉल्यूशन है। इसको हम सेकेंड क्लास में डालते हैं, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कलाइन। थर्ड ग्लास में टैप वाटर है। अब हम सबका पीएच टेस्ट करेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच रहता है 2.5, सो इट शोज पिंक कलर। इट इज वेरी यूजफुल फॉर डाइजेशन इन स्टोमक। अब हम पीएच चेक करते हैं कैंजन वाटर का, अल्कलाइन 9.5। ये हो गया अल्कलाइन सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये है टैप वाटर, इसका लगभग 6 pH आ रहा है। तो अब हम देखते हैं, ये भी अल्कलाइन है 9.5 pH, इसका भी 9 के आसपास। इन दोनों में फर्क यह है कि एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड है, एक कैंजन वाटर है, और लास्ट वाला टैप वाटर है। हम लोग घर बैठे ही अपने पानी का पीएच बढ़ा सकते हैं। ये मेरे पास है कैल्शियम खाने का चूना। अब हम टैप वाटर में जरा सा डालना शुरू करता हूँ। ओके, कैल्शियम एक अल्कलाइन सब्सटेंस होता है, और ये देखिए इसका पीएच इंप्रूव हो रहा है, इसका कलर चेंज हो रहा है। घर बैठे ही हमारा पानी अल्कलाइन हो रहा है। खाने का सोडा यूज करते हैं, वो भी एक अल्कलाइन सब्सटेंस होता है, उसको भी हम इसमें डाल सकते हैं। ये खाने का सोडा है, ये देखिए कलर और चेंज हो रहा है। अब देखते हैं कि ये स्टोमक एसिड को क्या इफेक्ट करता है। स्टार्ट करेंगे हमारे अल्कलाइन सोडियम हाइड्रोक्साइड से। स्टोमक में जाएगा तो क्या होगा, ये देखिए न्यूट्रलाइज कर दिया। अब यही टैप वाटर से चेक करेंगे, ये भी स्टोमक में जाएगा, अल्कलाइन था, स्टोमक का पीएच बढ़ा दिया, बहुत नुकसानदायक है। यह है कैंगन वाटर 9.5 pH का अल्कलाइज्ड वाटर है। वो जब स्टोमक में जाता है तो स्टोमक को न्यूट्रलाइज नहीं करता है, इट रिमेन्स सेम पिंक।